एवरेज का तो इसमें पूछे ही मत, ये एवरेज आपको 25 से नीचे तो हाईवे पे कभी देगी नहीं। अब इसकी ओर चलते हैं। ये वही गाड़ी ना विकास दुबे वाली। वैसे ये पलटती नहीं है, वो पलट गई कैसे पता नहीं। आपको अगर थोड़ा लो बजट में चाहिए था तो आज अपने पास 15 भी अवेलेबल है। हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरपी कार प्लस के एक और ब्रांड वीडियो में। दोस्तों आज आपका भाई दोबारा आए हुआ है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के ऑफिशियल शोरूम में, जहाँ पे मिलती है आपको मल्टी ब्रांड की प्री ओन कार्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का स्टॉक मैंने पहले भी कवर कर रखा है दोस्तों, और काफी सारे भाई लोग आप में से आए हैं जो यहाँ से गाड़ी खरीद के गए हैं। वैसे ही दोस्तों मैं आज आया हुआ हूँ और यहाँ पे मुझे काफी अच्छा स्टॉक मिल रहा है, और आज हमसे जुड़ने वाले हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के ऑनर मिस्टर निकुंज रघुवंशी जी। रघुवंशी कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया। तो भैया आज अपने पास कौन कौन सी गाड़ी होने वाली है? जैसे कि मैंने पहले देखा है कि आप लोग हमेशा ही बहुत अच्छी गाड़ियां प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं, तो आज कैसा स्टॉक मिलने वाला है? दिवाली के बाद 5-6 गाड़ियां नई वाली गाड़ियां आई हैं अभी, जो मोस्टली आपके हैचबैक और सेडान व्हीकल्स हैं। अच्छा, तो वो मैं दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। मतलब अपने यहाँ जैसे कि मैंने देखा है कि बाकी जगहों से गाड़ियां जो अपन को मिलती हैं क्वालिटी वाइज में वो काफी अच्छी मिलती हैं, और थोड़ा बहुत जो हमने प्राइस का भी देखा है वो बाकी जगह थोड़ा कम ही मिलता है हर बार की तरह, तो इसका क्या रीजन है भैया? इसका रीजन ये है कि हमारा सर्टिफाइड शोरूम है महिंद्रा का, तो अपने पास जो गाड़ियां आती हैं वो सारी सर्टिफाइड हैं। सर्टिफाइड है मतलब गाड़ियां चेक होकर आती हैं, उनके इंजीनियर्स चेक करते हैं, सर्टिफाइड इंजीनियर्स होते हैं जो गाड़ी में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी चीज़ें जैसे एक्सीडेंटल हो गया या फिर इंजन हो गया, ये सारी चीज़ें चेक होकर गाड़ी अपने पास है, तभी अपन कस्टमर को संतुष्ट कर पाते हैं अच्छी गाड़ी। मतलब ऐसे ही कोई भी गाड़ी अपन रखते हैं, जो भी गाड़ियाँ आती हैं सब चेक होकर ही मिलती हैं अपन को। दोस्तों ये एक खास बात है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के जो बाकी कार बाजार से इन्हें स्पेशल बनाता है कि यहाँ पे जो भी आपको गाड़ियाँ मिलती हैं वो पूरी तरह चेक होके आती हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कस्टमर अपनी गाड़ी बेचना चाहता है और वो यहाँ रख दे, ऐसा नहीं होता है। अगर उनकी गाड़ी जेन्युइन होगी और वो पूरी चेक होके आएगी तभी वो अपने यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होने वाली है मुझे पता है, क्योंकि आज का स्टॉक बहुत ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आरपीआर प्लस के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू। स्वागत करता हूँ आरपी कार ब्लॉग के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई लोग गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, मैंने कुछ भी पूछना चाहूंगा कि निकुंज भैया आज पहली गाड़ी कौन सी होने वाली है? पहली गाड़ी हमारी होने वाली है टाटा की टिगोर। टिगोर कब का वेरिएंट है भैया? ये 2017 का मॉडल है और टॉप वेरिएंट है, एग्जैक्ट वेरिएंट है अपना ये। बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा, अच्छा। ये डीजल में होने वाली कि पेट्रोल में? ये पेट्रोल वेरिएंट है। अच्छा अच्छा, और नॉर्म्स की बात तो सब पेट्रोल ही प्रेफर कर रहे हैं। पेट्रोल ही प्रेफर कर रहे हैं। और तो और इसका इंश्योरेंस वगैरह भी कब कंप्लीट? ये अपन को गाड़ी विद इंश्योरेंस विद ट्रांसफर सभी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। हाँ। और ड्रिवन कितनी होगी भैया? ये ड्रिवन है 57,000। चली हुई है दोस्तों टाटा की टिगोर, एग्जैक्ट वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, अगर कोई पेट्रोल में ढूंढ रहा था तो उसके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। क्या प्राइस है भैया इसका? इसका हम सभी कुछ करा के 4.25 लाख रुपए में दे रहे हैं। मतलब ट्रांसफर सब करवा के? बिल्कुल। और गाड़ी की आईडी भी वैल्यू इंश्योरेंस में 4.5 लाख रुपए है। दोस्तों एक बहुत खास बनाता है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस को कि आईडीबी से भी आपको कम में आपको गाड़ियां मिल रही हैं। 4.5 लाख आईडीबी है, 4.25 में आपको 4.25 में ट्रांसफर भी इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसफर का अलग से देना पड़ेगा, तो आपको ट्रांसफर भी इंक्लूड मिल जाएगा दोस्तों। तो अभी अगली कौन सी होने वाली है? अगली हमारी पोलो का टॉप वेरियंट है। पोलो का टॉप वेरिएंट। अब हाँ। ये गाड़ी तो मुझे थोड़ी नेक्स्ट लेवल ही लगती है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। ये कब का वेरिएंट है भैया? ये 2016 का अपना हाईलाइन है, डीजल वेरिएंट है। और पोलो इस कलर में थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ। मैंने कहीं भी नोटिस ये किया। बिल्कुल बिल्कुल, जो पोलो का जीटी मॉडल आता है वो रेड में ही आता है, लोग मोस्टली रेड में ही प्रेफर करते हैं, लेते हैं। तो ये टॉप एंड वेरिएंट है? टॉप एंड वेरिएंट है और डीजल मॉडल है। डीजल में? डीजल में 11.5-12 लाख वाली। बिल्कुल। अभी तो पेट्रोल मॉडल टॉप मॉडल 9.5-10 लाख का आ रहा है, डीजल आ नहीं रहा है, लेकिन मान के चलिए आप 11.5-12 लाख का मॉडल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितनी ड्रिवन होगी भैया? ये अपनी 35,000 ऑन रिकॉर्ड सर्विस विद सर्विस रिकॉर्ड। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर कम चली गाड़ी आपको पोलो चाहिए थी तो आपको 2016 की हाईलाइन वेरिएंट मिल जाएगा। क्या प्राइस रखते हैं भैया इसकी? इस है सिलेरियो का भी टॉप मॉडल है हमारे पास, ZXI पेट्रोल। सिलेरियो टॉप मॉडल ZXI, मतलब सारे ही टॉप मॉडल रखे हैं आपने? बिल्कुल। 2017 का मॉडल है, 2017 का वेरिएंट है कि? हाँ। और ये कौन सा ZXI वेरिएंट है? या ZXI पेट्रोल। ये चलिए 34,000 किलोमीटर चली हुई है। क्या प्राइस मांगते हैं भैया इसका? ये इसका प्राइस है अपन अभी इसका मांग रहे हैं 4,10,000। 4,10,000 में? हाँ। आपको सिलेरियो कब का मॉडल था? ये 2017 का टॉप मॉडल है। 2017 का टॉप मॉडल मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे प्राइस में भी है दोस्तों, 4,10,000 रुपये में। अगर आप ये नई गाड़ी ले जाएंगे तो 6.5 लाख के आसपास आपको मिल जाती है। तो अगर कोई भाई सिलेरियो में इंटरेस्टेड था तो इसे भी दे सकता है, एक बार प्रेफर आप ज़रूर कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा अंदर की ओर, क्योंकि आप देख सकते हैं गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई हैं और मुझे ऐसा लग रहा है सनसेट होने ही वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको सारी गाड़ियाँ आज बताने की। अब ये कब का वेरिएंट है भैया? ये 18 का वेरिएंट है हमारे पास, K10 VXI।
ऑल्टो के टेन वी एक्स आई बिल्कुल। अच्छा, ऑल्टो में मैंने देखा है वी एक्स आई ही टॉप आता है, बिल्कुल ऊपर नहीं आता है बिल्कुल। तो दोस्तों आप यहाँ जो भी गाड़ियाँ देख रहे हैं आपको टॉप मॉडल ही मिलने वाला है, जितनी गाड़ी मैंने अभी तक और ये ऑल्टो 800 नहीं ऑल्टो के टेन है। अच्छा, ये के टेन है जो 800 के ऊपर वाला सेगमेंट है। अच्छा अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में बिल्कुल, अगर क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये 1.5-2 लाख रुपए में मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि नई गाड़ी महंगी आती है, नई गाड़ी महंगी आती है। तो ये कब का वेरियंट आपने बताया था? ये 2018 का वेरियंट है, 2018 का है और गाड़ी लग भी बहुत शानदार रही है। क्या प्राइस होने वाला भैया? हम इसका प्राइस ले रहे हैं अभी 3,25,000। 3,25,000 बहुत अच्छा रेट है दोस्तों। 3,25,000 में आपको ऑल्टो के टेन मिल जाएगी 2018 वेरिएंट की, बिल्कुल नई नेवेली टाइप की। और चली कितनी है भैया? ये चली है 30,000। 30,000 किलोमीटर में, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, गाड़ी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। और अगर आप ऑल्टो देख रहे थे तो आपको भाई इसको पूरी तरीके रिकमेंड आपको करता है, तो आप इसे भी दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की ओर, अब कौन सी होने वाली भैया? फिर से हम ऑल्टो की तरफ चलते हैं, ऑल्टो 800। आज बिल्कुल छोटे सेगमेंट को भी अपने टारगेट किए हैं, क्योंकि जितनी भी गाड़ी आपने बताया वो 5 लाख के आसपास की है, ज़्यादा रेट आपको नहीं लग रहा है। तो ये कब का मॉडल है? ये 2016 का मॉडल है, LXi। 2016 का LXi वेरिएंट। अब पहली कोई गाड़ी देख रहा हूँ दोस्तों जो मुझे थोड़ा सा सेकंड टॉप वेरिएंट में मिल रही है कि, तो ये कितनी चली है? ये चली है 45,000। 45,000 चली हुई है, इंश्योरेंस वगैरह सब कंप्लीट है इसका? कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है दोस्तों। अब ये कितने पड़ने वाली है? ये 2,65,000। 2,65,000 में ऑल्टो 2016 LXi वेरिएंट आपको मिल जाएगा। और चली कितनी थी? ये चली है 45,000 किलोमीटर। तो ये डील भी आपको बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों। अगर आप ऑल्टो वगैरह देख रहे हैं तो आपको अपने पास ऐसा नहीं है यही गाड़ी है, इनके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आप शोरूम आते हैं। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, एंड में आपको मैं पूरा यहाँ का एड्रेस वगैरह सब कुछ बता दूंगा। और जो लोग भाई जबलपुर से देख रहा है उसके लिए यहाँ आना बहुत ही आसान है, क्योंकि अपना जो शोरूम है बिल्कुल शहर के बीचों बीच में आपको मिलने वाला है। अब चलते हैं थोड़ी बड़ी गाड़ी की ओर भैया, ये कौन सी होने वाली है? ये हमारी होने वाली है रेनॉल्ट की डस्टर। रेनॉल्ट की डस्टर। तो ये कब का वेरिएंट है भैया? ये 2013 का RXL मॉडल है। RXL वेरिएंट है, RXL में भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल विद नेविगेशन। अच्छा अच्छा, ये RXL ऑप्शनल नेविगेशन, ये एक कहा जाए तो ये टॉप वेरिएंट कहलाता है। टॉप वेरिएंट है, इसमें आपको अलॉय व्हील सारे A to Z सारे फीचर्स हैं इसमें, टॉप मॉडल। अच्छा अच्छा, और डस्टर की एक खास बात है भैया, डस्टर चाहने वाले लोग डस्टर ही लेते हैं, अगर कोई और गाड़ी मैंने देखा है वो उसमें प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर जो ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए, और जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो बाकी गाड़ियों से मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि एक कॉर्पोरेट लेवल की गाड़ी ये लगती है SUV होने के बाद भी। तो ये कब का वेरिएंट बताते भैया आप? ये 2013 का वेरिएंट है, 2013 का RXL ऑप्शनल विद नेविगेशन। और चली कितनी थी? चलिए 57,000 विद सर्विस रिकॉर्ड। बढ़िया है। और एक चीज़ खास और यहाँ दोस्तों, कि बहुत से लोग मीटर बैक करा के पीछे भेजते हैं गाड़ी, अपने ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो गाड़ी चली है वो सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली हुई, आप आके कंपनी में चेक कर सकते हैं ईजिली। और यही एक खास है, जो यही एक खास चीज़ है जो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस को बाकी कार बाजारों से अलग बनाता है। तो इसका क्या प्राइस रखें भैया आपने? इसका प्राइस अपन ने रखा है 5.5 लाख। 5.5 लाख में डस्टर मिल जाएगी 2013। इंश्योरेंस मैंने अभी अच्छा कराया हुआ है। 5.5 लाख का है वैल्यू इसमें। हाँ बिल्कुल, फाइनेंस भी कराना था तो ये गाड़ी आपके लिए इजीली फाइनेंस हो जाएगी। तो 2013 की डस्टर RXL ऑप्शनल वेरिएंट आपको मिल जाएगी 5.5 में। अब चलते हैं भैया देश की शान बोलेरो की तरफ। ये है हमारे पास 2015 का बोलेरो ZLX मॉडल। अच्छा अच्छा, इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने 17 का दिखाया था आपको, अगर थोड़ा लो बजट में चाहिए था तो आज अपने पास 15 भी अवेलेबल है। ये कौन सा मॉडल है भैया? ZLX टॉप मॉडल है, टॉप वेरिएंट है। हाँ। अपनी खासियत है टॉप मॉडल ही लेके आते हैं आपके बार बार। तो ये कितनी चली होगी? ये अपनी चली है 72,000। 72,000 के अप्रॉक्स। अब बोलेरो है तो उतनी तो चली जाती है। बोलेरो के लिए 4 लाख 3.5-4 लाख किलोमीटर चलने की कुछ नहीं है, इंजन बड़ा होता है 2,500 cc का इंजन। अच्छा अच्छा, तो बस फर्क ये है कि ये लोग मेंटेन कैसे रख रहे हैं। मेंटेन कैसे, क्योंकि गाड़ियां तो सालों साल मैंने देखा 2005-7 की बोलेरो भी मैंने चलते देखा है अभी तक। तो इसका क्या आस्किंग रखें भैया? इसका आस्किंग प्राइस है 6,25,000। 6,25,000 रुपये में आपको मिल जाएगी बोलेरो 2015 टॉप वेरिएंट, और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। वो वाली की अच्छी लग रही है भैया, ये वाली कब की होने वाली है? क्योंकि ये मुझे नई गाड़ी लग रही है। ये है टाटा की टियागो। हाँ। डीजल वेरिएंट है, 2019 का मॉडल है। 2019 की टाटा टियागो XT और डीजल में है ये। डीजल में, मतलब एवरेज का भी पूरा ख्याल रखा है आप लोगों ने। एवरेज का तो इसमें पूछे ही मत, ये एवरेज आपको 25 से नीचे तो हाईवे पे कभी देगी नहीं एवरेज। अच्छा अच्छा। हाँ, और शहर में आप इसमें 20 का एवरेज ले लीजिए। तो जो भाई मेरे एवरेज वाले नई गाड़ी देखने के लिए सोच रहे थे, नहीं मत लो, नहीं आपको 7 लाख 7.5 लाख रुपए की पड़ेगी। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस आपके लिए हमेशा खुला है, आप यहाँ आ सकते हैं। क्या आस्किंग रखें भैया इसका? मुझे लग रहा है बहुत ही शॉकिंग प्राइस बताने वाले हैं। इसका अपना है 4,60,000। 4,60,000 रुपये में सिर्फ एक साल पुरानी गाड़ी, वो भी डीजल वेरिएंट में आपको मिलने वाली है, जो आपको एवरेज प्रोवाइड करती है 23, 24, 25, इससे नीचे आपको एवरेज देती ही नहीं दोस्तों। और टाटा की होने के कारण आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं दोस्तों। बहुत से मार्केट में टाटा की बहुत सी तारीफ हो रही है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो
मैं नाम नहीं लूंगा गाड़ियों की, गाड़ियाँ सारी ही अच्छी हैं बिल्कुल, लेकिन बाकी गाड़ियों को भी देखें भाई, अपनी इंडियन ब्रांड है उसको थोड़ा बढ़ाने की आप कोशिश कीजिए। तो इसका आपने 4,60,000 बताया, इसका इंश्योरेंस सब कम्प्लीट है बिल्कुल। तो भाई लोग अब चलते हैं थोड़ी सी लंबी गाड़ियों की ओर, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, मुझे लग रहा है इसका सेकंड पार्ट भी मुझे बनाना पड़ेगा। अब ये कौन सी गाड़ी होने वाली भैया? ये है हमारे पास 2013 की अर्टिगा VDI। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये कितनी चली है भैया? ये चली है 68,000 कंपनी के साथ चली हुई है। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में लग रही है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें स्क्रैचेस दिख रहे हैं भैया। स्क्रैचेस दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, बट हमने ओरिजिनल पेंट पे ही रखा हुआ है गाड़ी को, अभी कोई भी टचिंग कुछ नहीं कराया हमने, बम्पर बोनट कुछ भी टचिंग नहीं कराया। अच्छा, जो गाड़ी का कलर ओरिजिनल कंपनी से आया था अभी इसमें आपको वही मिलने वाला है ना? बिल्कुल, थोड़ा बहुत टचिंग का काम होता है स्क्रैचेस का, बट हमने इसमें कुछ भी नहीं कराया, एज इट इज रखा है। अच्छा अच्छा, तो क्या प्राइस मांगते हैं भैया इसका? इसका प्राइस हम मांगते हैं 5,35,000। 5,35,000 में। और एक बात, अगर कोई टैक्सी वाला मेरा भाई देख रहा है तो वो भी इसे प्रेफर कर सकता है, क्योंकि टैक्सी वाले भाई को काफ़ी अच्छी बुकिंग इसमें मिलती है, और ये एवरेज अपनी साइज़ के मुताबिक बहुत ही अच्छा निकाल के देती है आप लोगों को, 20 का एवरेज। अभी एक 7-सीटर गाड़ी आपको 20 का एवरेज निकाल के दे रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है दोस्तों। और मारुति के होने के कारण सर्विस बहुत ही कम प्राइस में जाती है, गाड़ियों में भी डीजल वेरियंट दे नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि अगर आप हाँ, अगर आप एक नई गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको पेट्रोल ही मिलने वाली है, जो डीजल टैक्सी वाले लोग हैं, टैक्सी वाले लोग हैं, तो आप बहुत ही अच्छा है इसको प्रेफर कर सकते हैं। क्या प्राइस बताई थी आपने इसका? 5,35,000। 5,35,000 में आपको अर्टिगा 2013 मॉडल मिल जाएगी, वो भी सब कुछ कंप्लीट इंश्योरेंस करवा के, इंश्योरेंस ट्रांसफर भी इंक्लूडेड, ट्रांसफर भी इंक्लूडेड है। बहुत ही अच्छी, आज बहुत शौक कर रहे हैं आप। अब इसकी ओर चलते हैं, ये वही गाड़ी ना विकास दुबे वाली, वैसे ये पलटती नहीं है, वो पलट गई कैसे पता नहीं, लेकिन ये कौन सा मॉडल होने वाला है? ये 2018 का मॉडल है, सॉरी 2019 का मॉडल, 2019 का वेरिएंट है, मतलब अभी शोरूम से निकाल के ही लाए। बिल्कुल 2019 का मॉडल है, और ये TUV T6 प्लस मॉडल है, TUV T6 प्लस वेरिएंट है, मतलब आपको इसमें आपको ऑल 4 पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग सभी कुछ है इसमें, सब कुछ मिल जाएगा ना? बिल्कुल। तो गाड़ियाँ तो बिल्कुल न्यू खड़ी है अभी आपके पास। 2019 का आपने बताया T6 प्लस, चली कितनी होगी ये? चली है अपनी 90,000। 90,000, ऐसा लग रहा है किसी बहुत ही शौकिया इंसान के पास थी ये गाड़ी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एक जानने वाली बात है, क्योंकि अगर 19 का मॉडल आ रहा है तो कोई भी कार डीलर इसको इजीली 10-20,000 करके बेच सकता है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं होता है। जो चली है अप्रॉक्स, अगर ये 1.5 लाख चली होती तो भी हम इसको आपको 1.5 लाख ही बताते। और वैसे TUV है, 90,000 में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, गाड़ी कंडीशन बता रही है, गाड़ी उसने टाइमली इसको गाड़ी को सर्विस कराया, इसीलिए वो एक साल में उतनी गाड़ी कंडीशन, आप देखिए गाड़ी की जो कंडीशन है वो देख के ही समझ आ रहा है कि कितनी अच्छी इसे मेंटेन करके रखा गया है। भैया नई कितने की आती होगी? नई का अभी प्राइस करीब ये 11.5 लाख की है, T6 प्लस T6, 11.5 लाख की। हाँ तो फिर अपन कितने में दे रहे हैं? अपन दे रहे हैं इसको 7,90,000 में। 7,90,000 में, ये नेगोशिएबल प्राइस है? बिल्कुल नेगोशिएबल भी है, इसमें कुछ नेगोशिएट हो जाएगा, थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो भाई लोग बहुत ही शानदार डील है, अगर आप TUV लेना चाह रहे थे तो 2019 का T6 वेरियंट आपको मिल जाएगा 7,90,000 रुपये में। अब भैया एक लास्ट 2-3 गाड़ियाँ और बची हैं जो हम कवर नहीं कर पाए थे वहाँ पे, उनको भी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं आपको ये वाली गाड़ी। अब ये कब का वेरियंट होने वाला है? ये हमारे पास 2010 का है, अपना जैन स्टीलो मॉडल है, और ये अपना फर्स्ट ओनर है, और 1,70,000 की गाड़ी है। 1,70,000 में, लो बजट का, लो बजट 2 लाख के अंदर वाली, 2 लाख के अंदर वेरिएंट। तो 1,70,000 की है, 2010 का मॉडल है, 2010 का मॉडल है, और बहुत ही अच्छी शानदार कंडीशन की गाड़ी है। गाड़ी अच्छी है, चली कितनी होगी? ये चली है केवल 32,000 किलोमीटर। 32,000 चलिएगी ओरिजिनल? ओरिजिनल 32,000, क्योंकि बहुत से भाई लोग के सवाल आते हैं कि अनुराग भाई 2010 का वेरिएंट है सिर्फ चला 30,000 है, 2019 का वेरिएंट है चला 90,000 है, आप लोग कभी इसमें तो सवाल नहीं उठाते कि 90,000 चल कैसे गई, चलाने वाला चलाता है दोस्तों। कुछ लोगों के घर में 4-4 गाड़ियाँ भी होती हैं तो वो बदल बदल के चलाते हैं, इसलिए कभी कभी किलोमीटर इतने नहीं चल पाते हैं, लेकिन आप कभी भी गाड़ी लेते हैं तो आप अपनी भी एक तरीके से चेक करवा के लीजिए, क्योंकि हमारा ये नहीं है कि आप हमारे कहने पे आप हमेशा गाड़ी लीजिए, आप आते हैं यहाँ पे आप प्रॉपर चेक कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो पूरी चेक होकर खड़ी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी भी गाड़ी में कुछ भी होगा तो हम बता भी देंगे कि इसमें अगर हो सकता है कि जिस गाड़ी की, जिस बंदे की गाड़ी रही है तो चेक होने के टाइम पे उसने भी मीटर टेम्पर कर हो सकता है, उसने करा, तो वो हम बता कर देंगे कि ये उन्होंने करवाया हुआ था, ये टेम्पर्ड है इसमें, लेकिन गाड़ी की कंडीशन क्या है वो सब चीज़ें ओके हैं, मीटर में जरूर थोड़ा बहुत
हमारे एंड से कुछ भी छेड़खानी नहीं होती मीटर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या पता कस्टमर कैसा था, कस्टमर लेकिन अपने इंजीनियर से पकड़ ही लेते हैं और वो लेते हैं। लेकिन जस्ट मीटर टेम्परिंग की वजह से हमारे इंजीनियर्स गाड़ी रिजेक्ट नहीं करते हैं। अगर गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, जस्ट उन्होंने मीटर में कुछ वजह से टेम्पर हो गया है, तो उससे रिजेक्शन नहीं होता, लेकिन वो अपन बता के देते हैं, बता कर देते हैं वो। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे यहाँ पे, क्योंकि कोई भी डीलर अपने मुंह से नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आप गाड़ी लेने जाओगे और आपको डीलर बता देगा कि भैया इसका मीटर टेम्पर है, तो आप उस गाड़ी को लोगे ही नहीं। लेकिन अपने खास है कि सिर्फ गाड़ी बेचना मकसद नहीं है, लोग खुश रहे अपने यहाँ से गाड़ी लेने के बाद और बार बार आए, क्योंकि अगर आप वीडियो देख के इतनी दूर से आते हैं तो आपका एक ट्रस्ट है जो, और ट्रस्ट कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों अपने कस्टमर का, क्योंकि कस्टमर भगवान होता है, ये मेरा मानना है भैया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी, मैंने आपको डिटेल में यहाँ का स्टॉक बताने की कोशिश किया, और थैंक यू भैया फॉर ज्वाइनिंग अस, और आप लोग जो हमेशा से कॉर्पोरेट करते आ रहे हैं। और एक चीज़ आपसे और पूछना था, अगर आरपी कार ब्लॉग से कोई आता है तो उसके लिए कोई खास स्पेशल रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड होगा, क्यों नहीं होगा। आरपी कार ब्लॉग से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग भाई, इनका बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे लिए, और हमारे जो भी स्टॉक आता है बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, और हम बहुत बहुत से लाइक्स भी आते हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया। तो भाई लोग अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भाई जबलपुर से देख रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, हो सकता है कोई अपने आजू बाजू का हो जिस भाई को गाड़ी की जरूरत हो तो वो यहाँ आके गाड़ी खरीद सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।